इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास सैमसंग की कोई सी भी एसी है तो उसके रिमोट में यहाँ पर मोड्स होता है, तो आपकी एसी में कौन कौन से मोड्स होते हैं उसकी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मोड्स के बटन पर क्लिक करता हूँ तो एक ड्राई मोड यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो ड्राई मोड का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मानसून का मौसम है, रेनी सीजन है, बारिश का महीना है, तो आप यहाँ पर ड्राई मोड को यूज़ करें। कंपनी बोलती है कि मानसून के महीने में ड्राई मोड ऑन करके एसी चलाएं। इसके बाद एक और बार मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ़ैन मोड आ जाता है। तो फ़ैन मोड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपकी एसी की जो कूलिंग है वो बंद हो जाती है, ओनली इसमें फ़ैन चलने लगता है, यानी कि पंखे से हवा आती है, ओनली एसी का पंखा चालू हो जाता है और कूलिंग बंद हो जाती है। आप फ़ैन को यहाँ से स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, कम कर सकते हैं कम करना है। इसके बाद अगर आप मोड पे एक और बार क्लिक करते हैं तो ऑटो का ऑप्शन आ जाता है। ऑटो में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करता है, खुद ही एसी अपने आप एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद वापस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कूल का ऑप्शन आ जाता है। कूल नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल हर एसी में कूल का ऑप्शन तो होता ही है, ठीक है।